ने यही कहा कि पीछे यहाँ आए, काफी दफा हम इनसे मिले, हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए, कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं हैं, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते, हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी मुश्किलात हैं, हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। उस लिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। देखिए हमने इनसे काफ़ी मामलात पे बातचीत की, एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी जाति कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए, तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको ये सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो, अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामलात हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल किया क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए हो जाए। आई एम होपफुल एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपफुल, इलेक्शन कमीशन हैज अश्योर्ड अस दैट दिस विल नाउ बी कंप्लीटेड बिकॉज दे सेड देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे हैड टू कंप्लीट व्हिच आर now or totally in place, they said by November December last year 23 those reservation issues were complete, the other things had to be done on the election commission basis, they have been completed and now I don't see any reason for not conducting the election. Jo supreme court ki deadline hai ki uske andar andar aapko lagta hai ki election karwaye jayenge, ummeed to hai jaisa aaj laga jo inke chief Rajiv ne jo kaha ki ummeed hai ki shayad wo इस दफ़ा उस डेडलाइन को पूरा करेंगे। सर ये बताइए जो कल फारूक साहब ने चुनाव आयोग की आज़ादी पे सवाल उठाया थे, कहा था कि फाइनल अप्रूवल तो मोदी जी से ही आना है, आपको लगता है कि ऐसा है वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल करेंगे? लेकिन जनाब इस मुल्क में तमाम इदारा जात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, आपकी अगर बात करें कि मीडिया की प्रेस की कोई वो है फ्रीडम है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, और हमने वही इनको गुजारिश की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ करें ताकि इलेक्शंस उस माहौल में हो जहाँ हमें ये लगे कि ये फ्री एंड फेयर। देखिए इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है सिक्योरिटी, वो गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योरिटी को कैसे यहाँ इतना बनाए इलेक्शन के लिए, और अभी जब हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन इतना अच्छी तरह यहाँ कंडक्ट किया कोई वजह नहीं है कि असेंबली इलेक्शन ना हो सके। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं, यहाँ 95 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर 96 में असेंबली के इलेक्शन किए गए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट किया, हमने इनको वो याद दिलाया कि आपकी क्रेडिबिलिटी का ये सवाल है, आपको यहाँ तो उन ताकतों को मजबूत करना है जो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, यहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बरकरार रखना है और इलेक्शन यहाँ कायम करना है। थैंक यू सर।